और देखिए माइग्रेंट लोग भी बहुत हैं जहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग आपको दिखाते हैं। डॉक्टर पी जी हमारे बहुत प्रेमी हैं, कहते हैं आओ मैं आपकी ऐसे लोग दिखाऊंगा जो बड़े प्यार से रहते हैं। मिल ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर हैं, देखिए इधर ब्रिगेडियर साहब हैं, और देखिए सभी लोग ये फैमिली की तरह रहते हैं, और ये परिवार है जहाँ पर इनका। ऊपर भी देखिए कितने बड़े, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ये, और देखिए अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना उसमें सभी लोगों को वायदा करती हैं पार्टियाँ कि हम लोग आप लोगों को देश जय देंगे, वो देंगे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, सब कहीं वोट डल रहा है। तो सेंटर में कोई सरकार जो आएगा उसके लिए वोट डल रहा है। तो सेंटर में कौन सा सरकार आपको अच्छा चाहिए? कांग्रेस चाहिए, जानते हो आप लोग, कोई बात नहीं तुम लोग करता, तुम ब्रिगेडियर साहब तुम बात कर दो, जो चाहे, कोई पार्टी का नाम, अच्छी पार्टी है कोई कि नहीं है आपके ख्याल में? यहाँ तो वही ना है, कोई बात नहीं, मोदी आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए सेंटर में? तो यहाँ तो कांग्रेस चलती है कि नहीं सर, सेंटर में कौन आना चाहिए? हाँ यहाँ पंजाब का थोड़ी है, ये तो सेंटर की बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है। एमपी जो होता है ना, एमपी होता है, तेरा क्या नाम है बोलो ना? अरे खाली तो कहते वाले तेरे बाजू के ऊपर है, और क्या हाल है हीरो? देखो भाई एक जबरदस्त एक लोग लोग हैं आप लोग। हम पूछ रहे थे कि सेंटर में कौन सा सरकार चाहिए, मोदी चाहिए, कांग्रेस चाहिए या झाड़ू चाहिए? कांग्रेस, कांग्रेस चाहिए। पंजाब में तो कांग्रेस ही चाहिए ना? नहीं सेंटर में, सेंटर में। और क्या हाल चाल है? वाह वाह तुम्हारा तो बेड़ा बहुत बढ़िया है। वो केजरीवाल है, इन लोगों का कुछ पता नहीं है, वैसे हम आगे इधर घूमते घूमते तो बड़ी प्रशंसा कर रहा था वो, बीच डॉक्टर कहता बड़े लोग बढ़िया रहते हैं इधर, कहता है जितना प्यार आप लोगों में हमने कभी नहीं देखा। हाँ परदेशी हैं आप लोग, तो आप लोग देखिए जहाँ पर किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हो आप लोग, कारोबार करते हो अपना जहाँ पे, आपको तो उधर का लगता है, बंगाल के, बिहार के साथ बंगाल है उसका, उस तरफ का लगता है, किस तरफ का है वो? मैं कटिहार दलकोला का, कलकत्ता का। देखो पूरा शक्ल पता है, कलकत्ते वालों का शक्ल ऐसा होता है, ममता दीदी जैसे हैं ये भी, ममता दीदी जैसे है, क्योंकि हम लोग जो दिखाते हैं ना वही दिखता है हमको, है तो देखिए जी हम बस्ती में आए थे तो बाहर चल के बोर पूछेंगे, तो देखिए जी देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, इधर भी एक बेड़ा बना हुआ है, आ जाइए एक और दिखा देते हैं आप लोगों को, है कोई सात बंदा चाहिए जो दिखाता हो, अरे वाह भाई वाह, है बस्ती। हाँ जी ये बस्ती है, हमारे दिल वालों की बस्ती है, जहाँ तो गुजराती लोग रहते हैं मेरा ख्याल है। हाँ अच्छा, कपड़े का काम करते सभी? पहले तो गुजराती लोग करते थे ना? अब तुम लोग गुजरात के हो या किधर के हो? नहीं हम लोग गुजरात के नहीं हैं। अच्छा भाई तुम लोग सारा इकट्ठा करके कपड़ा ठीक करने के बाद देते हो, तो बढ़िया है, सारे कपड़े होते हैं इनके पास, देखिए ये सब छांटा छांटी करके ना, एक ही परिवार है जो ये कपड़े का काम करता है इधर। वाह वाह कमाल है, कमाल है उस्ताद, जिंदगी है तो जिंदगी में ये सब काम करना पड़ता है। अरे आ भैया बहुत बढ़िया है, तुमने तो पूरा बच्चे के लिए बना रखा है, उधर देख जा उधर कितना बच्चा झूल रहा है, हैं देखो बच्चा, देखिए बच्चा जो क्या कहते हैं चिल्ड्रन रूम कैसा बना रखा है, दिखाओ अंदर सारे हाथी कोई है ऐसा बड़े से बड़े अमीर आदमी भी, और दिखाओ जरा अंदर सब टैटू वगैरह लगा रखे, अंदर हो जाओ थोड़ा सा, तेरे को स्मेल नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे हो जाओ, देखो कैसे है बच्चा को किस तरह झूले में झुला कर मेरे लल्ला बनेंगे एक दिन राजा, हैं रुकती नहीं है, तो झूला झुलाओगे तो माँ बाप ही झुलाएंगे ना झूला झूला, हैं और देखिए वो भी हैं क्या मुस्करा रही हैं, तो कपड़े का काम है इन लोगों का, और देखिए कपड़ा पुराना लेकर सही करके उनको ये बाद में सेल करते हैं। तो आज हमने आपको ये भी दिखा दिया, साथ साथ हम पब्लिक व्यू करने के लिए यहाँ आए थे कि लोगों को हम दिखाएं कि हमारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में पंजाब, और पंजाब में जो लुधियाना शहर जहाँ पर माइग्रेंट लोग यूपी बिहार कलकत्ता के सब लोग रहते हैं, और यही लोग हैं जो हमारे मतदाता हैं जो वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, और देखिए टीवी भी चल रहा है उधर, और पीछे बुला रहे हैं मेरे को बीज साहब, जो आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं जो लेकर आए हमें, डॉक्टर बीज जी हैं, बीज जी हमें लेके आए हैं जहाँ पे कहता मैं आपको बस्ती दिखाऊंगा अपनी, इधर देखिए आ जाए थोड़ा सा आगे, कैसा बढ़िया बेडरूम, बेडरूम देखिए थोड़ा सा अंदर दिखा के, देखिए फ्रिज भी बीच में रखा हुआ है, देखिए बेडरूम और थोड़े अंदर हो जाए, देखिए कितना अच्छा है, जाने के ऊपर चादर डाली हुई है, और चादर के बाद जब अंधेरी वगैरह आती है टुपका भी गिरता है, पर्दे भी कर्टन भी देखो लगे हुए हैं, ये देखो कर्टन, देख कर्टन भी देखिए लगे हुए हैं,
और देखिए इधर फ्रिज भी रखा हुआ बीच में। देखिए जिंदगी इसे कहते हैं दोस्तों, बस जीने का सलीका आना चाहिए। और देखिए हम आपको वहाँ ले आए हैं जहाँ पर आप कभी पहुँच नहीं सकते। चाहे चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो और शेयर कर दोगे हमारा वीडियो तो हमारे लोग और साथ जुड़ जाएंगे, तो हम उन्हें ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। आ जाइए, तुम्हारा आसियाना, तुम्हारा घर, लो हवा भी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा कपड़े ही कपड़े तुम्हारे जितने भी हम देख रहे हैं ना, कपड़े का बेडरूम, कपड़े ही सारे जाने के। देखिए इधर कपड़े का स्टोर और कपड़े के कर्टन हैं। अमीर लोग आपके सामने क्या है, जितने कर्टन आपके पास है किसी घर में नहीं होंगे, जितने कपड़े आपके पास है किसी घर में नहीं होंगे। तो कपड़ों के बादशाह हो, पुराने कपड़े का कौन बादशाह। अरे क्या तुम पुराने पहनते हैं तभी तो लोगों को खर्चा निकलता है। अच्छा ये सबसे बड़ी बहू है, ये बता रहे थे कि सारा परिवार इकट्ठा रहते हैं आप लोग। सारे भाई है, सात भाई है, और सातों भाई ये काम करते हैं कपड़े का। देखो एक ही फैमिली है ये। अच्छा खासियत ये है कि कभी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, नहीं लड़ते हमने कभी। और इनके सासू नहीं है, उनकी डेथ हो गई। और ये अपने ससुर जी को बारी बारी खाना देते हैं, देखभाल करते हैं, पूरा करते हैं ये। पूरी पूरा इनकी बारी है, एक एक दिन सभी की बारी है। तो देखिए कितना अच्छा जाने के इन्होंने अपना, जब एक एसी भी लगा हुआ है, ये कूलर भी लगा हुआ है। मैं 3 साल हो गया इधर रहते, मैंने कभी इनके लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, लड़ाई झगड़ा नहीं देखा साहब इनका। हाँ देखिए पूरा यानि कि कपड़े का काम है, और कपड़े का ये यानी कि इन्होंने अपने आप ही झोंपड़ी बना के यहाँ पे तो सारा सेट किया हुआ है ये। तो देखिए ये बेड़े में इन्होंने अपना। अच्छा इसकी बहन इधर आ जा। देखिए इधर इसकी फोटो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बीच से बोल दिया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब हमारे बहुत प्रेमी हैं, मैंने कभी आज डॉक्टर साहब को मिल के आएंगे। चलो डॉक्टर साहब बाहर चलते हैं, बोर देखते हैं। इसकी बहन की शादी है, शादी है, गांव गई है। गांव किधर, कलकत्ता में है या बिहार में? बिहार में, उधर कलकत्ता बाराबंकी के आगे, वो कलकत्ता पड़ जाता है उधर जाके। हाँ कलकत्ते वाले उधर लोग रहते हैं, मैंने देखा उधर सामने। ठीक है बाराबंकी के आगे हैं। चलो भाई उधर लगाओ, मोटरसाइकिल भी है। हाँ बहुत बढ़िया गेट अपना, और लोगों से हम पूछते चलेंगे कि आज का इलाका हम यही दिखाएंगे। तो ये देखिए इनके सारे कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन में ये रात को यहीं पर लम लेट हो जाते हैं। टीवी दिखा, टीवी और टीवी भी चलता है, बीच में पंखा भी चलता है। और हीरो क्या हाल है, इधर थोड़ा टीवी देख लेने बीच में। अरे यार कितना बढ़िया फिल्म लगा हुआ है, अरे हमने जितना भी देखा है ना, चाय की दुकान पर, घर में, इधर देखिए पानी का बच्चा बना हुआ है जहीं पर इनके जो बर्तन वगैरह धोते हैं। और देखिए हाँ जी मोनिका, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती है, इधर दिखाओ। पाँचवीं में पढ़ती है, पढ़ाई करना है, सभी बच्चा पढ़ेगा ये लोग। शबनम कहाँ है, शबनम बाहर आ जाओ। आ जाओ। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये भी पढ़ाई में, मम्मी पढ़ाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ क्लास में। देखिए पढ़ती है, बढ़िया पढ़ते रहो हैं। चलो भाई देखिए जी, हमने आपको दिखाया जे इनका रेड़े हैं, इस पर माल लाद के लेके जाते हैं और ये कपड़ा पुराना बेचते हैं, खरीदते हैं। अब आएंगे डॉक्टर बी साहब, और बाहर हम निकल जाएंगे ऐसे। ये देखें इनके रेडे खड़े हुए हैं, कपड़ा लेकर आते हैं उनसे। ये पूरा जुगाड़ फिट किया हुआ है इन लोगों ने, इंजन वगैरह लगा रखे हैं। हम दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे एक ऐसा परिवार है जो सभी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ बस सही है। और आप लोग पहले पंजाब में आए, लुधियाना में कारोबार किया? 50 साल पहले। हाँ और क्या, पहले कौन मोहल्ला में रहे? पहले रहे मंडी में। अच्छा मंडी में रहे। हाँ तो यही कपड़े का काम आप ही ने स्टार्ट किया? हाँ कपड़े ने स्टार्ट किया। आपके पास क्या चादर है, क्या कर्टन है, क्या क्या सामान है, देखिए पूरा जानी के इनके पास। अरे भाई जब बच्चे भी हैं
इधर दिखाओ यार, इधर इधर दिखाओ, हर चीज इनके पास, क्या कर्टन, क्या जान के जो चादर और क्या जो है, हर चीज इनके पास है। जो जो कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहीं मिलेगा। और देखिए जहाँ पर, और देखिए किचन हम दिखा रहे हैं, इनका किचन भी देखिए। ये किचन में भी जाने के लोगों ने कपड़े लगा रखे हैं। बहुत सारी किचन देखी होंगी आपने, अमेरिका की देखी होंगी, अफ्रीका की देखी होंगी, जापान की देखी होंगी, यूएसए की देखी होंगी। सामने दिखाओ, देखो चूल्हा है इधर, इधर दिखाओ चूल्हा, यह किचन है। आप लोग डरते हैं यार, चूल्हा हम कहाँ जलाएँगे, वो देखो चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर बीच में रखा हुआ है, सारे कपड़े का काम है इनका। उधर देखिए बेड, देखिए इनके बेड, जो इधर देखिए गद्दे बेड, एकदम अंदर कितना खूबसूरत बना रखा है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं लेकर जाएगा, और हम आपको वो दिखाएंगे कोई और नहीं दिखाएगा। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपको दुनिया का पता लगे, दुनिया कहाँ तक पहुँची हुई है, दुनिया कहाँ पर रहती है, दुनिया कहाँ पर बसती है, दुनिया में क्या कोई लोगों के शौक़ है, और कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं, और कैसे कैसे परमात्मा हर किसी को पेट भरने के लिए, रहने के लिए ऐसे आसानी जो होते हैं, जो घर होते हैं, जो सब परमात्मा देता है किसी न किसी को। तो चलिए हम जहाँ पर डॉक्टर बिज का जो देखिए कालीन विषय हुए हैं इनके, देखिए और मस्ती से बैठे, पंखा चल रहा है यहाँ पे, देखिए गली गली मले मले कपड़ा इकट्ठा करते हैं, कर्टन कंबल हर चीज इनके पास है, और हर चीज जो इनके पास है किसी के पास नहीं होगा, नहीं हो। अमीर का करोड़पति का क्या, ना जाने कि आपका घर का भी हो, मेरे घर का भी हो, हर किसी घर का इनके पास सामान होता है, कपड़ा होता है, और ये कपड़ा फिर ये दोबारा सेल करते हैं तो कोई ना कोई गरीब आकर फिर ले जाता है, पहनते हैं, यही तो सब सिस्टम है। बिल्कुल रिसाइकल होता रहता है। किचन दिखा दी सब। अच्छा, इधर सबके बर्तन, हाँ बर्तन बाथरूम इधर आए। अच्छा, इधर एक एक कमरा बन गया है इनका पूरा, धीरे धीरे करके बन जाएगा। और ठीक हो? ठीक है, चलो बढ़िया है। आप लोग काम कर रहे हो, मेहनत करते हो भाई, मेहनत ना करेंगे रोटी कहाँ मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले गली गली मले मले खरीदते हो, फिर बाद में संडे बेचते हो वहाँ जगरावा पुल पर नहीं बेचते। किधर भेजते हो? सब यहीं से चला जाता है सब। अच्छा, बाहर भेजते हो? सब बाहर चला जाता है, बाहर भेजते हो, यहीं से बाहर जाता है। हाँ, बिहार, यहाँ से यूपी, यहाँ से गुजरात। अच्छा, ट्रक के ट्रक, ट्रक के ट्रक भर के जाते हैं। जो भी बिहार, यहाँ से ट्रक गुजरात, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ट्रक भर के भेजते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ लोकल ही सेल करते हैं? हाँ, लोकल नहीं, ज्यादातर कपड़ा लोकल जाता है। तुम्हारा कपड़ा इधर फैक्ट्री वगैरह में जाता है? फैक्ट्री में सब जाता है, आप ही का जाता है ना। तो ठीक है, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो। तो हम तो पूछने आए थे भी, सरकार कौन सा आएगा, मोदी का आएगा सेंटर में या कांग्रेस का आएगा, कौन सा है? उसकी मुकद्दर जाने ना। हाँ, समझ में आई बात, किसकी आती है किसकी नहीं आती है। तुम्हारा बोर्ड तो बना ही होगा? हमारा ही नहीं बना है, नहीं बनाया, 50 सालों के बोर्ड नहीं बनवाए इन्होंने। तो उधर तो तुम्हारे बिहार में तो चल रहा है ना? बिहार में नहीं रहते, यूपी में रहते हैं। यूपी में जो 12 मंत्री हैं, हाँ। तो वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ ठीक चल रहा है, वहाँ पर सब पड़ रहा है। कौन है सरकार उसका उधर, किधर है? मोदी, योगी। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा अच्छा, उधर बढ़िया चल रहा है उनका काम है। अच्छा अच्छा, वहाँ तो घर घोर भी बना के दे रहे हैं। हाँ, वहाँ घर बना के दे रहे, कई लोगों को दे रहे हैं कॉलोनी, कई लोगों को नहीं भी मिल रही है। बढ़िया चल रहा है उधर, तो बढ़िया जनाब के सब वायदे कुछ करते हैं, उसके बाद मिलते ही नहीं। अभी हाथ जोड़ के आएंगे, फिर हम हाथ जोड़ते रहेंगे, 5-5 साल हम हाथ जोड़ेंगे, वो मिलेंगे ही नहीं। यही लोगों का कहना है। हाँ, और जो वायदे करते हैं वो कभी निभाते नहीं। निभाता, आधार कार्ड सब बना हुआ है। हाँ। अब यहाँ कहते भैया जैसे वहाँ नहीं जाते हैं, नहीं ये पंजाब में रहते, इतने दिन हो गए हमको। योगी राज है ना, तो भैया बनना चाहिए यूपी में, योगी राज, जैसा राज योगी जी का है वहाँ यूपी में, ऐसा राज होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आपके ख्याल आते हैं अच्छे।